नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता का हाल पूछने, भेंट मुलाकात करने छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकले हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री गांव, गरीब, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों का हाल तो जानेंगे ही, साथ ही साथ आंगनवाड़ी से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक के क्या हाल है उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री लेंगे। यहां तक कि जनहित में चलाई गई सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन गांव, कस्बों और जिलों में किस तरीके से किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट भी लेंगे और ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिशन 2023 को लेकर लोगों की नब्ज पकड़ने निकले हैं तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा क्योंकि इस दौरे के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी मुख्यमंत्री के इस दौरे से नाखुश है और सवालिया निशान लगा रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 90 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले इस दौरे को लेकर अब प्रदेश में राजनीति शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री का यह दौरा मिशन 2023 में सेवा जतन सरोकार वाली सरकार की दूसरी पारी में कितना सहायक साबित होता है। जब जाएंगे तो सब सरकार की बात होती है, जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भी जाएंगे तो पीडीएस साहब भी जाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र भी जाएंगे, तो जो पंचायत भी जाएंगे, थाने भी जाएंगे, किसी जगह नगर पंचायत के दफ्तर भी चल देंगे। तो जहां जैसे स्थिति बने, ऐसा नहीं है कि उसमें इतने में जाना ही है, जहां जैसा अवसर मिले वहां। जिस प्रकार से इस प्रदेश में पहले तो ये कहा गया कि मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण करेंगे, कहीं भी जा सकते हैं। जब मैं जिलों के दौरा में निकला हूं तो मुझे जानकारी आ रही है कि एक एक स्कूल में, हेल्थ वेलनेस सेंटर में, आंगनबाड़ी में धुआंधार दौरा कलेक्टर के हो रही है, अधिकारियों के हो रही है और ये बताया जा रहा है कि आपके आएंगे, आप सचेत रहना, मुख्यमंत्री जी आपके आएंगे। तो औचक निरीक्षण का क्या काम, जब लिपाई पोताई आपको कराना है वैसे ही करा सकते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री की बातों को भी सुना है, यानी कि मिशन मोड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्षी खेमा सवाल भी उठा रहा है, जरा इन्हीं सवालों के साथ इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन बंसाली कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और भारतीय जनता पार्टी से नेता मनीष राय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनीष राय जी बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में नितिन बंसाली जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से ताबड़तोड़ अब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाने का ये कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री बारीकी के साथ देखना चाहते हैं कि असल मायने में जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनका जनता के प्रति क्या उसमें भाव है, कितना फायदा जनता को मिल रहा है, कहां कहां पर क्या कमियां हैं, लेकिन इन कमियों को दूर करने के लिए भी क्या प्रयास होंगे। सवाल तो यहां भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी उठा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अनियमितताएं जो हो रही हैं क्या उनका भी समाधान होगा। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी राजधर्म का पालन कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि बीच बीच में अपनी योजनाओं के बारे में फीडबैक लेते रहे। जनता की सरकार जनता के बीच है, इसमें समस्या क्या है, औचक निरीक्षण की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी 90 विधानसभाओं का दौरा करेंगे, प्रथम चरण में सरगुजा, सेकेंड चरण में बस्तर और उसके बाद बाकी जो विधानसभाएं बचेंगी उसका। तो इसमें तो बहुत खुशी की बात है कि प्रदेश के मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री स्वयं यदि आपकी विधानसभा में आ रहे हैं और विधानसभा के तीन गांवों का औचित निरीक्षण कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, थाने जा रहे हैं, आत्मानंद स्कूल, पीडीएस, पंचायत, जहां पर उन्हें उचित लगेगा वहां पर वो औचित निरीक्षण करेंगे। और देखिए, आज जैसा कि देखने को भी मिला कि एक जगह है कोई कुशवी नगर पंचायत के सीएमओ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिकायत पर, गंभीर शिकायत पर तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दिए। तो ये एक संदेश है प्रदेश के अधिकारियों। लेकिन नितिन जी विपक्ष जो सवाल उठा रहा है ना, मैं जरा वो सवाल भी आपके सामने रखता हूँ। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि पहले से तय हो जाता है कि कहां पर मुख्यमंत्री को जाना है, वहां पर व्यवस्थाएं पहले से तय कर दी जाती हैं, ये बता दिया जाता है कि किस इलाके में किस जगह पर मुख्यमंत्री का ये दौरा है, कहां पर वो आने वाले हैं, पहले से सारी जानकारी होती है, ये आरोप लग रहा है। मुख्यमंत्री उस विधानसभा में जाएंगे ये तो तय है, उस जिले के कलेक्टर को भी पता है कि आज इस जिले की तीन विधानसभाओं में या एक विधानसभा में मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। अब ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि यदि मुख्यमंत्री जिस विधानसभा में आने वाले हैं तो डेफिनेटली अधिकारी जो है वो सारी जगह पे व्यवस्था करेंगे, क्योंकि औचक निरीक्षण होना है।
इसमें क्या बुराई है? इसमें भी यदि खामी निकाल रही हो तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत नहीं हो, तो ये कह रहे हैं पहले से अधिकारियों को पता होता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कहां अस्पताल में जाएंगे किस? हाँ, आज नगर पंचायत के जो कुशनी के सीएमओ थे उनको पता था क्या कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं? हाँ। पता होता तो वो सस्ते नहीं। देखिए ये सब हवा हवाई है, मुद्दा जेल लोग हैं, हम जनता के बीच जाकर हमारे कामों की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो प्रदेश की चल रही है, छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को किस तरह से मिल रहा है, उसका क्रियान्वयन भी, उसका फीडबैक भी। हाँ। उसमें कहीं आवश्यक सुधार करने हो तो वो भी होंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी 90 विधानसभाओं के दौरे पर निकले हैं, और मैं तो भाजपा के लोगों को भी कहता हूँ, नेताओं को, कि यदि आपके पास भी कोई समस्या है आपके क्षेत्र की तो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी से उस विधानसभा के दौरे पर जाइए, मिलिए, आवेदन दीजिए और उसका समाधान करवाइए। मनीषा जी, अगर बीजेपी के नेताओं की या कोई और इलाके की कोई परेशानी है तो वो भी आप मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं। अलग अलग विधानसभाओं का दौरा चल रहा है, बताइए। वो तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, ये तो अगर परेशानियां लोगों की परेशानियों को अगर जान रहे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है मुख्यमंत्री की। बिल्कुल शुभेंदु जी, देखिए नितिन जी ने एक बात तो स्वीकार कर ली आपके प्रश्न में, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि वहां के कलेक्टरों को व्यवस्था बनाने के लिए उनको पता होता है। तो फिर वाकई में औचक निरीक्षण जैसा मेरे को लगता है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और जहां तक बात इस तरह के इंस्पेक्शन की है तो नितिन जी को बहुत अच्छे से पता है कि जब भाजपा की सरकार थी तो ग्राम स्वराज अभियान या शहर स्वराज अभियान, विकास यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा, ऐसे बहुत सारी यात्राएं जो है जब चुनाव के दृष्टिकोण से जब आता है तो एक डेढ़ साल पहले मुख्यमंत्री जनता को एक तरह से मनाने के लिए कि हमसे क्या गलतियां हो गई हैं उसको मनाने के लिए जनता के बीच जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आपको वाकई में औचक निरीक्षण करना है तो आपको बिना बताए उस जिले में जाना चाहिए, किसी भी विधानसभा में जाना चाहिए, और डेफिनेटली हम उनका स्वागत करेंगे कि वो प्रदेश का विकास चाहते हैं, और डेफिनेटली उस जगह पर हम पॉजिटिव होकर उनको समस्या। मनीषा जी, एक चीज तो समझने वाली है, एक चीज तो समझने वाली है, अगर अलग अलग विधानसभाओं के अंदर अगर परेशानियों को जानने के लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो इसमें कोई गुरेज तो नहीं है, इसमें कोई गलत तो नहीं है? अगर इलाके की परेशानियों को समझ करके उनका समाधान हो जाए तो उसमें दिक्कत किस बात की है? बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि आप पूरा सेटलमेंट और पूरा व्यवस्था बना के सिर्फ दिखावा करने के लिए अगर जा रहे हैं तो मैं कहता हूं उसका औचित्य नहीं है। आप मुझे बताइए, पिछले एक महीने में 46 लोगों की लगभग मौत हो गई सिम्स बिलासपुर अस्पताल में, मुख्यमंत्री जी ने डील पर क्या एक्शन लिया? मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से नितिन जी से प्रश्न करता हूं कि नितिन जी, ये सारे पेपरों में छप गया कि उनके अस्पताल की नर्सों की हड़ताल की वजह से 46 लोगों की मौत हो गई, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने कितने संवेदनाशील होकर उन्होंने कार्रवाई की। आज जिन्होंने कार्रवाई की है कुशनी में, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ऐसे ही अगर किसी विधायक ने किसी अधिकारी के साथ लड़ाई की तो उस अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, मुख्यमंत्री जी ने क्या एक्शन लिया? तो ये सारी चीजें अगर प्रदेश में होंगी तो दिखावा ही लगेगा, और डेफिनेटली भाजपा इसका विरोध करती है। दिखावे का दौरा है नितिन बंसाली साहब, क्या एक्शन हुआ? अगर कहीं पर अनियमितताएं मिलती हैं तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? नितिन जी, नितिन जी इसीलिए निकाला मंत्री जी को बधान निकाल दीजिए, यहाँ पे इतनी सुनाई है, गौ माता मार रही है, 15 साल सरकार चलाने के बाद 15 सीटों में कैसे सिमट कर रहे हैं, और देखिए अभी कर रहे थे इस चैनल में बैठकर, ये पॉलिटिकल लफाजी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। डाटा पॉलिटिकल लफाजी जो करना होता है, घोटाला कैसे होता है गोठान में, किस तरीके से माता की लाभ होती है, भ्रष्टाचार कैसे होता है, हर जगह पे रेप तस्करी हो रही है, एक बात बताओ, रेप तस्करी हो रही है, उसका जवाब कमीशन लेना बंद कर दो। रायगढ़ की आपकी जो मीटिंग हुई थी कार्यकर्ताओं की, उसमें डॉक्टर अमन सिंह ने कहा था ना, 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो। क्यों बंद नहीं किया भाई? मतलब 14 साल कमीशन लिया था, जनता ने सबक सिखा दिया। इसका मतलब आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्ष जनता के मनीषा जी, अगर इलाके के अंदर कहीं पर कोई परेशानी नजर आ रही है, जैसे कि अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहा है, बेशक बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें जनता ने सराहा भी है, लेकिन कहीं पर अगर कमियां नजर आती हैं तो क्या एक्शन होगा? उम्मीद तो यही है ना। देखिए सुवेंदु जी, नितिन जी, नितिन जी करते हैं, एक मिनट, मनीषा जी, नितिन बंसाली जी,
देखिए ये जो दौरा है 90 विधानसभाओं का वो है ही इसलिए कि यही यदि किसी कोई कोई समस्या हो जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, लेकिन बीजेपी के नेता इसको सिर्फ ढकोसला क्यों कह रहे हैं, वो दिखावा क्यों कह रहे हैं इसको? अरे वो खुद 15 साल जो लोग ढकोसला किए उनको ढकोसला ही दिखेगा। हर बार झूठ बोलकर लफाजी कर जुमलेबाजी कर 3 बार तो इन्होंने जनता को मूर्ख बना दिया। लेकिन देखिए जनता ने कैसा सोटा मारा इनको कि 2018 के चुनाव में 15 वर्ष शासन किया और 15 सीट में सिमट कर रह गए, अब तो 14 में आ गए हैं। इनकी स्थिति बद से बदतर छत्तीसगढ़ में हो चुकी है, मुद्दे इनके पास बचे नहीं है। तो अब सीएम साहब यदि यात्रा पे विधानसभाओं के दौरे पे जा रहे हैं वो भी उसमें इनको प्रश्न उठा रहे हैं। अब यदि किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के लिए यदि सरकार जनता के बीच जा रही है तो भी ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो इनका काम है हल्ला करना, शायद हल्ला करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में इनके पास लोग नहीं बचे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर बैठकर शांति से इनको रहना चाहिए, क्योंकि जनता ने जनादेश जो है 5 वर्षों के लिए कांग्रेस को दिया है और लगातार चाहे नगर पंचायत के हो, मनीष राय का ये आरोप है और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जो कि ये कहते हुए नजर आते हैं, ये आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि ये जो प्लानिंग है ना अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के आप अलग अलग जगहों पर जाकर के वहां देखना निरीक्षण करना, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, ये तय हुए कि कहां पर जाना है उन अधिकारियों को बताया जाता है। ये मनीष राय जी का बड़ा आरोप है। क्या इसमें असल मायने में सब कुछ सेटल्ड है, सब सुनियोजित है, सब पहले से तय है? चीज सेटल नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कोई चीज सेटल नहीं है। सेटल इनका दिमाग हो गया है, एक जगह पे स्थिर हो गया है कि कुछ भी करो, ये कुछ भी करे उनके कामों में फुट निकालो, बयानबाजी करो, लफाजी करो। मैंने क्या कहा कि विरोध करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में संख्या कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। हमारी हाफ बिजली बिल योजना का लाभ भी बीजेपी के लोग ले रहे हैं, 2500 रुपए में बीजेपी के नेता स्थान भी बेच रहे हैं, सारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जो गौधन न्याय योजना के माध्यम से 2 रुपए किलो में घूवर भी बेच रहे हैं। तो इनके लोग ही मुझे लगता है इनके साथ नहीं है, तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में है, अवसाद में है। मनीष राय जी जवाब दीजिए, दबाव में है, फ्रस्ट्रेशन में है, क्या कारण है? देखिए सबसे पहले तो नितिन जी को जानकारी दे दूं, बिजली बिल हाफ करके पूरे प्रदेश में बिजली ही हाफ हो गई, आजकल बिजली नहीं रहती प्रदेशों में। और जहां तक इन्होंने गोधन न्याय योजना की बात की तो लालू जी चारा खा गए थे, भूपेश जी गोबर खा गए, अब ये भ्रष्टाचार के सामने आ गया। शब्दों की मर्यादा सर, मनीष राय जी शब्दों की मर्यादा में, ये इस तरीके से नहीं, इसीलिए नागपुर के ऑफिस के नितिन जी आप इसीलिए बात नहीं, शब्दों की मर्यादा में सर, ये मैं यहाँ ये देखिए ये गलत तरीके की टिप्पणी नहीं चलेगी सर, बिल्कुल गलत शब्द का उपयोग किया गया। नहीं ये मनीष राय जी दूसरा शब्द मैं कहता हूँ कि अगर आप प्रधानमंत्री नहीं, मनीष राय जी नहीं, इस मंच के जरिए कहा गया, इस मंच के जरिए कहा गया, मनीष राय जी देखिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो कि किसी भी मुख्यमंत्री या प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसीलिए सुगेंद्र जी मैं इसीलिए उसको तार्किक प्रश्नों में पूछ रहा हूँ, क्या गोधन न्याय योजना की ऑडिट रिपोर्ट दी गई, जनता के सामने पेश की गई? प्रधानमंत्री आपने गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना आपने प्रधानमंत्री आवास को जो घरों को वापस कर दिया, उसको लोगों को बताया आपने, 5 लाख घरों को वापस किया, प्रधानमंत्री आवास योजना जनता को बताया और आपने जनता के साथ खिलवाड़ किया, आपने नहीं योग बजाया, सब कुछ अगर गोधन योजना सफल बताइए, गौ माता रास्ते में क्यों पड़ी है? नितिन जी मुझे ये बताइए, रास्ते में गौ माता क्यों पड़ी है? अगर आपकी गोधन योजना वाले लोग गौ माता को पूछते हैं, लेकिन गौ माता
भाजपा की जिस तरह से अपमान करती आई आज तक, उसी के बारे में मैं तो बात करूंगा और बारंबार बात करूंगा। गौ माता, भगवान राम, अयोध्या, ये सब तो भाई देखिए, देखिए हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करना आता है। कांग्रेस ने तो देश को बांटा है, हमेशा जातियों में बांटा है, कृषि के लिए, देखिए ये मैं शुरुआत में कह चुका हूँ, जब उन्होंने बोला मैं तभी कह चुका हूँ कि गलत शब्दों का किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, ये गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये कोई भी व्यक्ति हो, नहीं कोई भी प्रवक्ता हो, देखो देखिए संयम के साथ रह करके आपको शब्दों की मर्यादा में रह करके आपको अपनी बात रखनी है। देश की जनता, देश की जनता आपको देख रही है सर, ये गलत तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। एक बार फिर से मैं इस बात को खंडन कर रहा हूँ और इस मंच के जरिए, इंडिया न्यूज के मंच के जरिए अगर इस बात का कहा गया है तो मैं इस मंच के जरिए माफी मांगता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जरा नितिन जी को जोड़ रहा हूँ, नितिन जी को जोड़ रहा हूँ, मनीष जी वापस आता हूँ, नितिन बंसाली जी, ठीक है ठीक है, एक मिनट जरा नितिन बंसाली जी, ठीक है ठीक है, उन्होंने माफी मांग ली, नितिन बंसाली जी, हाँ वो बोल, इन्होंने ये सब तो बोले हैं, क्षमा मांग ले मैं छोड़ दूंगा। देखिए मैंने कोई गलत बात नहीं की है नितिन जी, मैं बार बार कहूंगा, अगर गोबर और अगर गोबर और गोधन योजना की बात होगी, गौ माता की बात होगी, देखिए नहीं देखिए देखिए एक मिनट मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये जो मंच है ये इंडिया न्यूज का मंच है और यहाँ पर अगर आकर के कोई कहता है गलत तरीके से, अगर कोई भी कमेंट करता है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए नहीं नितिन बंसाली जी, मैं खुद इसलिए क्योंकि ये मंच और यहाँ पर एंकर मैं हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यहाँ इस मंच के जरिए किसी दूसरे मेहमान के द्वारा किसी को भी अगर ऐसा कुछ कहा जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ और ये साफ कर रहा हूँ कि आगे दोबारा से आगे मेरी डिबेट में आगे इस तरीके से बिल्कुल टिप्पणी नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी कमेंट नहीं होना चाहिए सर। मैं नितिन जी के पहले ही शब्द पे आपत्ति कर दिया होता, ये लफाजेबाजी क्या होती है? अगर मर्यादा आप नहीं रखोगे मत करिए, पॉलिटिकल लफाजी करते हैं आप लोग, पॉलिटिकल लफाजी करना है ना नितिन जी, तो केंद्र सरकार होते। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा ठीक है, एक मिनट मनीष राय जी अगर आपत्ति है आपको, आप गौशाल, आप गोधन न्याय योजना को, एक मिनट नितिन बंसाली जी, एक मिनट, गोधन न्याय योजना को लेकर के अगर आपके इतने सवाल हैं, बार बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, बीजेपी के नेता आकर के मुख्यमंत्री जब जाएंगे उनके इलाके में तो आप उनके सामने रख सकते हैं अपने विषय, आप रखिए उनके सामने, आप बताइए उनको कि ये परेशानियां हैं। पॉजिटिव हूँ और मैं वैसे स्टेप का स्वागत भी करता हूँ सुरेंद्र जी, हम तो बिल्कुल मुख्यमंत्री के सामने जाएंगे, लेकिन अब उसमें देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हमारे बातों को सुनते हैं या नकारते हैं, जैसा वो आज तक करते आए हैं, बिल्कुल करेंगे, मैं उस चीज का भी स्वागत करूंगा। अगर प्रदेश के हित की बात है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहेगी, हमेशा साथ, लेकिन सिर्फ दिखावेबाजी और ड्रामेबाजी से नहीं चलेगी। आपने 3 साल जनता को बेवकूफ बनाया है छत्तीसगढ़ में और जनता के साथ सिर्फ आप उस भ्रम को फैलाने के लिए, वापिस दिखावा करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए भाजपा उसका विरोध करती है। नितिन जी, जिन लोगों ने 15 साल सिर्फ दिखावा किया और 8 साल से केंद्र में बैठकर दिखावा कर रहे हैं, 15 साल वाली सरकार को छत्तीसगढ़ में तो बेदखल किया जनता ने, बुरी तरीके से बेदखल किया। आज मैं बोला ना कि विपक्ष के भी पूरे आंकड़े नहीं है, देखिएगा केंद्र में भी यही स्थिति होगी इसकी, फिर बोलूंगा कि पॉलिटिकल लफाजी करते, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल लफाजी करते। किसने कहा था 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, 500 रुपए बेरोजगारों को भत्ता देंगे, आदिवासी को प्रति आदिवासी को जर्सी गाय देंगे, कुछ नहीं दिया भाई, ये लफाजी नहीं है, ये झुमला नहीं है, ये झूठ नहीं है। 15 साल भ्रम में रखा है इन्होंने जनता को, जनता का भ्रम टूटा और जनता का भ्रम टूटा उसके बाद जनता ने कांग्रेस को बंपर जनादेश दिया और जनता ने जो आशीर्वाद देकर सरकार में कांग्रेस को बैठाया है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है छत्तीसगढ़ की जनता का मान सम्मान बढ़ाना, उनकी तकलीफों को दूर करना। अच्छा नितिन जी, मुख्यमंत्री संवेदनशील है, अलग अलग इलाकों में मुख्यमंत्री पहुंचे, ठीक है, ये सिलसिला शुरू हो चुका है, निरीक्षण कर रहे हैं, ये सिलसिला शुरू हो चुका है और इस मिशन पर मुख्यमंत्री लग चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने आ रही है। सबसे ज्यादा शिकायतें अलग अलग इलाकों में गए हैं मुख्यमंत्री, गांव में घूम चुके हैं, आप अलग अलग जगहों पर देखा है, सबसे ज्यादा शिकायतें किस बात को लेकर के मिल रही है उनके सामने? आप लोगों को, मीडिया के जो भी हमारे साथी हैं, मैं उनको ये बता दूं कि मुख्यमंत्री जी जब दिन भर जो भी विधानसभा में 3 गांवों का दौरा करेंगे, सेकंड डे मॉर्निंग वो मीडिया से भी चर्चा करेंगे,
आपके प्रश्नों का उत्तर सीधा वो बहुत अच्छे तरीके से देंगे, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि वो दिन भर की अपनी पूरी चीजों को पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखेंगे, इनके जैसे जुमले नहीं करेंगे। जो एक्शन और रिएक्शन होगा तुरंत तुरंत होगा, इसकी जानकारी आप लोगों तक डेली पर डे पहुंचेगी, ये चीजें भी तय की। ठीक है, यानी कि क्या एक्शन लिया गया ये भी बाकायदा बताया जाएगा, मनीष जी कुछ बिल्कुल बताया गया। बस अंतिम में नितिन जी के माध्यम से कांग्रेस सरकार से यह उम्मीद करूंगा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों में जाएंगे वो विजिट पे, तो कम से कम डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों का भी औचक निरीक्षण करें, जहां पर 10-10 महीनों से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, पढ़ाई का स्तर गिर चुका है। मैं बिल्कुल चाहूंगा नितिन जी, क्योंकि शिक्षा की बात है, हमारा छत्तीसगढ़ में अगर बच्चों का विकास होगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये हमेशा निवेदन भी करूंगा आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों का भी निरीक्षण करें और जितनी योजनाएं चल रही है धरातल पर क्या वो काम कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के ना रह जाए, जैसा ये संदेश में आ रहा है कि सीएम हाउस से 2 IAS मैसेज करते हैं, वो सिर्फ ना रह जाए और सिर्फ दिखावा ना रह जाए, वाकई में कॉन्क्रीट वर्क हो छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, ये भाजपा उम्मीद करती है। ठीक है, इन उम्मीदों पर सरकार के ऊपर बड़ा भरोसा है विपक्ष के तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता होने के नाते मनीष राय जी की बड़ी उम्मीद है। नितिन भंसाली जी, ये उम्मीदें टूटेंगी तो नहीं? देखिए, मनीष राय की उम्मीद यदि एक सामान्य नागरिक के तौर पर है तो बिल्कुल उनकी उम्मीद पूरी होगी, पर एक नेता के तौर पर यदि ये फुलूल जुलूल बातें करेंगे तो बिल्कुल ये भूल जाए। जहां पर भी कमियां मिलेंगी, जहां पर भी शिकायतें होंगी, उन शिकायतों को दूर किया जाएगा, उन कमियों को ठीक किया जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं बोलते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये दौरा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो हमारा एक नारा है उसका की ओर ये दौरा हो रहा है, और बिल्कुल देखिएगा चलिए उम्मीदों के साथ, उम्मीदों भरा ये दौरा है, और इस दौरे से बड़ी उम्मीदें भी हैं, आम जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं, जो परेशानियां हैं उनका हल हो सके, और अपने आप में इसलिए बेहद खास ये दौरा माना जा रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन मिशन 2023 को लेकर के सेवा जतन और सरकार के साथ इस दौरे की शुरुआत की गई है, और इस दौरे के साथ ही बहुत सारे चैलेंज हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट भी कर दिया है कि प्रदेश की हर एक परेशानी का समाधान भी किया जाएगा, उसके लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया गया और बड़ी तेजी के साथ उस पर चला भी जा रहा है। पिछले में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।